हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। इस सीरीज में अभी हम लोग बात कर रहे हैं झारखंड के प्रमुख आंदोलनकारियों के बारे में, झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में। और आज जो हम लोग जिस व्यक्तित्व के बारे में बात करने वाले हैं, उनका नाम है एल्बर्ट एका। ठीक है, तो एल्बर्ट एका के बारे में डिस्कशन करेंगे ऑब्जेक्टिव टर्म के, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के टर्म में। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे और उससे रिलेटेड हम लोग डिटेल भी देखते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहला क्वेश्चन कि भारत पाक युद्ध में शहीद होने के उपरांत अल्बर्ट एका को भारत सरकार द्वारा कौन सा सम्मान दिया गया। तो भारत सरकार के द्वारा जो उन्हें सम्मान दिया गया था वो था परमवीर चक्र, और परमवीर चक्र है आपके ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड के पहले शहीद जिन्हें परमवीर चक्र मिला है, तो ऑप्शन देखिए आप, बिरसा मुंडा, रणधीर वर्मा, जुएल लकड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। और अगर करेक्ट बात करें तो अल्बर्ट एका हो जाएगा, अल्बर्ट एका ही ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अल्बर्ट एका को ही मिला था, वो पहले शहीद थे जिन्हें परमवीर चक्र मिला था। बात कर ले हम लोग रणधीर वर्मा को, तो रणधीर वर्मा को, रणधीर वर्मा ऐसे प्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें यहाँ पे आपका अशोक चक्र मिला हुआ है, झारखंड के प्रथम व्यक्ति जिन्हें अशोक चक्र मिला हुआ है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन थल सेना के ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के लांस नायक थे। देखिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, एल्बर्ट एका ही हो जाएगा इसका आंसर। और आपको ये क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा जाता है, झारखंड के किसी परीक्षा में पूछा भी गया था कि जो एल्बर्ट एका थे वो थल सेना के किस ब्रिगेड के लांस नायक थे। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स, क्लियर। तो ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के लांस नायक थे आपके जो एल्बर्ट एका है, वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है, डी नंबर हो जाएगा, मतलब एल्बर्ट एका होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि एल्बर्ट एका का जन्म किस वर्ष हुआ था, और जो एल्बर्ट एका का जो जन्म हुआ था वो हुआ था कब, 1944 में। कब, 1944, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बी मतलब 1942। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, 1942 में एल्बर्ट एका का जो जन्म हुआ था वो हुआ था, ऑप्शन नंबर बी, 1942, 1942। अगला प्रश्न है कि अल्बर्ट एका का जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो अल्बर्ट एका का जो जन्म हुआ था वो हुआ था जड़ी नाम के स्थान पे, और ये जड़ी है कहाँ, ये जड़ी जो है ये गुमला में है। कहाँ पे है, गुमला में, क्लियर। तो इनका जो जन्म हुआ था वो जड़ी नाम के स्थान पे हुआ था, जो कि गुमला जिला में है, और गुमला में इनके नाम पे एक स्टेडियम भी है, अल्बर्ट एका स्टेडियम। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है कि एल्बर्ट एका के पिता का नाम क्या था। तो जो अल्बर्ट एका के पिता का नाम था वो था जूलियस एका, ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पे डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, जूलियस एका है एल्बर्ट एका के पिता का नाम। अगला प्रश्न है कि एल्बर्ट एका की माँ का क्या नाम था। तो जो अल्बर्ट एका की माँ का नाम था वो था मरियम एका, क्या, मरियम एका, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, अल्बर्ट एका का माँ का नाम था मरियम एका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एल्बर्ट एका की पत्नी का क्या नाम था। तो अल्बर्ट एका की जो पत्नी का नाम था वो था बेलेडिना एका, और ये गिवन है ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा कि एल्बर्ट एका की पत्नी का नाम बेलेडिना एका था। अगला प्रश्न है किस युद्ध के दौरान एल्बर्ट एका शहीद हो गए थे। तो जो अल्बर्ट एका शहीद हुए थे वो 1971 का भारत पाक युद्ध था, और ये गिवन है आपका ऑप्शन नंबर सी पे, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही चॉइस हो जाएगा कि एल्बर्ट एका 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान शहीद हो गए थे। अगला प्रश्न है कि भारत पाक युद्ध के दौरान किस तिथि को अल्बर्ट एका को वीर गति की प्राप्ति हुई थी। तो ये जो तिथि था वो तिथि था 3 दिसंबर 1971, और ऑप्शन नंबर डी में है कि 3 दिसंबर 1971। ठीक है, तो इसीलिए आप कहिएगा कि 3 दिसंबर 1971 को उनका वीर गति कब की प्राप्ति हुई थी, किनकी, अल्बर्ट एका की। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस युद्ध के बाद अल्बर्ट एका को लायंस नायक का पद दिया गया था। तो ये दिया गया था आपका 1962 का जो भारत चीन युद्ध हुआ था, उसके बाद अल्बर्ट एका को लायंस नायक का उपाधि दिया गया था या पद दिया गया था, समझ गए। तो ये थे कुछ प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न एल्बर्ट एका से संबंधित। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग झारखंड के और भी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में डिस्कशन करेंगे, और इस तरीके से झारखंड जीके का पूरा पार्ट को हम लोग आपके लिए ले करके आएंगे क्वेश्चन के टर्म में। ठीक है,
वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।